देखा गाइस, मैंने कहा था ये लानत देगी कि किधर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वैसे आप लोग कहिए कैसी शक्ल बना के आज आ गई है गाइस। हमारे घर लाइट नहीं है और मेरा आज पेपर भी है, पानी भी बिल्कुल नहीं है टैंकी में। यार क्या मतलब, लाइट ले जाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। एक तो पहले नींद खराब कर दी लाइट ले जाके, ऊपर से पानी नहीं। मैं कैसे पेपर देने जाऊँ, ना मुँह धोया, ना मैंने कुछ, ना नहा सकती, ना कुछ भी नहीं कर सकती, ना कपड़े प्रेस, कुछ भी नहीं कर सकती। लाइक क्या, और पूरा एक घंटा हो गया, अब तक लाइट नहीं आई। और इस टाइम होने वाला 12 बजने वाले हैं और 2 बजे मेरा पेपर स्टार्ट होना है। क्या करूँ मैं, बताओ यार क्या किया जाए। शुगर है सर्विस नहीं बंद की इन्होंने, लेकिन लाइट ले गया। डॉक्टर आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं, क्या राय है आपकी लाइट के बारे में? मैंने कल ही बात की थी अपने व्लॉग में, हाँ, कि बत्ती ना लेके जाया करो। अच्छा तो उठ के बैठा था कि अब बाबा भी मरीज आई तरह पहिया। ओह ओह, एक्शन में आ गई मैडम। मैंने कल ही बात की थी कि लाइट ना लेके जाई जाए। अच्छा। लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। है गाइस, आप लोग मेरी सुनो, आप लोग एक काम करो कि हाँ। ना वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं आपको अपनी बत्ती बना दूंगी। अच्छा, मतलब वो बत्ती जाएगी नहीं है सच में, वो बत्ती आपके पास ही रहेगी। यार अच्छे नहीं लग रहे, वो बत्ती आपके पास ही रहेगी। अच्छा, मेरी आँखें ही तो यहाँ तक फेंक लिया। मैंने भी तो बगैर मुंह धोए इंट्रो दिया, आज क्या हो गया ना, कमी की वही लाइट ही नहीं है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता था, मुंह ना धो लो। सो मैंने अभी नाश्ता मंगवाया है। कैसे मुंह धो रहे, नाश्ता करने लग रही पानी, क्या पानी की। अगर आपके पास ये हालात हो भाई, बुला कहाँ जा रहे हो? मेरे भाई ने अभी आवाज़ दी थी ना, उसका नीचे ना कोई आदमी खड़ा, पानी और गिलास ले जा, बोतल, मतलब उसको पानी पिलाई, पानी पिलाने जा रहा है। और ये भाई जा रहा है नाश्ता लेने। मेरी उमा आई तो उसको कहते हैं आगे कितने जा रहा है। ओए अम्मी आप तो गाड़ी में बैठ गए, फिजियोथेरेपी करा के आगे डायरेक्ट हैं। पीछे बंदा आवाज़ नहीं जा रही, वो बैठी हुई मेरी मम्मा नजर आ रही है, नहीं आ रही ये बैठी। जी जी मैडम, आप आगे फिजियोथेरेपी करा के कहाँ से आई हैं आप? आपको पता नहीं आपकी औलाद भूखी और पानी के बगैर जी रही है, आप पता नहीं क्या अपनी फिजियोथेरेपी कराई जा रही है। मैम आप बताएं किधर जा रही है, कैमरे से बाहर क्यों हट रही है, इधर आके बात जरा बताएं ना। मैं यहाँ पे कहाँ गई थी, आप फिजियोथेरेपी कर दिया करो, मैंने जरूर जाना, मैंने जरूर पैसे भरते हैं। अच्छा हाँ, हम फिर कोई टांग टूंगी पता चले वो तोड़ दे, फिर क्या होगा। फिर कैसी रही आज की सेशन? काफी फर्क पड़ गया, काफी फर्क पड़ गया। सो मेरे ना दाना छील हो गया और ना यहाँ पे ना ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा और रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस टाइम टाइम हो रहा है 12:30, लाइट आ गई थी 12:15 पे, हमने नाश्ता भी कर लिया है, हलीम और नान में दिखाना भूल गई। और बस अब मैं रेडी शेडी होके पेपर के लिए निकलूँगी। और ये बस रुक जाए, फिर नहा के ना शावर लेके जल्दी जल्दी बस रेडी होके निकलना है, टाइम बहुत कम है मेरे पास। रुक जा यार, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं आधे घंटे से लगी हुई इसको करने। चलो सो गाइस, मैं पेपर देके वापस आ चुकी हूँ। बहुत लेंथी था, मैं बिल्कुल 5 मिनट पहले फ्री हुई 5 बजने में। और शुक्र है मेरे पेपर्स ख़त्म हो गया, अब टेंशन फ्री। अब बस सेकंड सेमेस्टर के होंगे, वो जब हो गए, अभी तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और क्या करना था मैंने आके यार, हाँ सच आज हमने ना पता क्या करना है गाइस। पहले तो बाहर जाने का प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया वो। अब मेरी मम्मा कह रही है कि अपने कपड़ों और जूतियों की ना छांटी कर लो। यार समझ नहीं आती हमें, जब भी पहना था मतलब कुछ कपड़े हमारे इस कमरे में, कुछ अम्मी के, कुछ ऊपर, कोई कुछ कहाँ, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। तो आज हम उसको जो है ना थोड़ा छानबीन करते हैं, थोड़ा सेट वेट करते हैं। तो आओ और ज़रा किचन में जाके देखते हैं बना क्या आज। तो आज बनी है कड़ी, यम्मी यम्मी, इतनी ज़्यादा है यार। तुम लोगों ने अभी नहीं खाई कड़ी, खा ली है। इधर क्या, ये पता नहीं क्या बना हुआ है, पेस्ट है। और ये मुझे ओए गर्म है, ये लग रहा है मुझे ना, ऐसे करके चेक करती हूँ, ऐसे ऐसे करके गाइस चेक करती हूँ। इसमें है उबले हुए चावल, मेरी मम्मी कहती है एक सादा पकोड़े भी बने हुए पड़े हैं। यार इधर आटा है, मिल नहीं रहे मुझे, ये रे पकोड़े मिल गए मिल गए। इसको पहले मैंने ये वाले पकोड़े खाती हूँ यार, मज़े के लग रहे हैं, यम्मी। सो गाइस मैंने ये मतलब वो ताज़े ताज़े नहीं है लेकिन थोड़े से ना वो हो गया है सॉफ्ट से। चलो खा के देखते हैं कैसे बने हैं, मज़ेदार मज़ेदार। लास्ट में मैंने जो है ना शक्कर वाला शरबत अपने लिए भी तैयार किया और मम्मा के लिए भी किया। और ये हमारे घर का जो टेबल मुतायरा ने तोड़ा था, ये अभी तक वैसे का वैसा ही है। तो ये लो भी इधर रोशनी आती है, आप किधर मुँह करके बैठ गए हो। चलो कोई बात नहीं, चलो पियो और बताओ वही। और गाइस मैं भी पीती हूँ अपना। और हमारा कुछ प्लान चेंज हो गया है, प्लान ये चेंज हुआ है कि अब हम बाहर जा रहे हैं, आप ही को भी घर जा रहे हैं। कड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई है, वो कड़ी देने जाएंगे हम आप ही के घर। मुझे पहले लगा वो गाड़ी ने ले गया भाई, मुझे लगा वो कहीं दूर चला गया, लेकिन अभी वो वापस आ रहा है। हमने कॉल करके पता किया तो फिर अब भाई जाते हैं। कपड़ों वाली जो है ना शिफ्टिंग छानबीन वो अब कल करेंगे, और आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही कि यार पहले कैसे थी अलमारियाँ और फिर छानबीन करके कैसे सेट की हमने। ओके आपका भी धो दूंगी। चलो गाइस मैं भी पी लेती हूँ। तो गाइस अब जो है ना हम लोग निकलने लगे हैं अपने उनके घर की तरफ, और मेरी मम्मा ने इतनी देर कर दी, मैं गाड़ी ना मोड़ के लिए आ गई क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग चीज़ें अक्सर ही भूल जाते हैं। फिर हमें गाड़ी में बैठ गया था, वो गेट भी बंद हो जाता, फिर हम काले कर करके ये देखो या ये देखो, चल गाइस अब हम चलते हैं। वैसे हम लोग जो है ना आपके घर पहुँच चुके हैं, और ये मुतारा के हाथ में कड़ी है, अब हम उनको कड़ी देंगे और फिर हम जाएंगे गुलगश्त मार्केट। वहाँ में एक दो काम है, एक दो नहीं एक ही काम है। वहाँ पे अम्मी ने ट्राउजर्स लेने हैं, शर्टें ली थी हमने, मैंने आप लोगों को दिखाई थी के मार्ट से, तो वो उसका करना है, तो फिर बस वही करेंगे, फिर घर चले जाएंगे उसके बाद। गाइस ये है बिफोर, मैं ना प्लकिंग करवाने भी आई हूँ आप ही से। प्लकिंग, हाँ प्लकिंग ही होती है ना आप ही, ये प्लकिंग होती है ना ये, हाँ। तो मैं गाइस यहाँ ना प्लकिंग करवाने आई हूँ आप ही से। ये मैं आप लोगों को बिफोर दिखा रही हूँ, अभी उसके बाद आफ्टर भी दिखाती हूँ। ये चेक कर रहे हो आप लोग, मेरे यहाँ ना दाने भी निकले हुए। ये देखो कितनी नीट हो गई है। सो बस मेरी मम्मा ना यहाँ से ना कुछ पता करने लगी है, वो कह रही है कोई हांडी शांडी कोई मिल जाए सही, वो इतने सारे घड़े और ये वगैरह पड़े हैं, यहाँ से पता नहीं क्या पता करने गई है। बस अम्मी जो है ना वहाँ पर गई हुई है ये मुतारा की पैंट देने। मुतारा की पैंट को हो गया इशू। क्या इशू हो गया तुम्हारी पैंट को? मेरी पैंट का लॉक टूट गया, वो अटका हुआ था ये। अच्छा तो बस वो अम्मी ना उधर देने गई है। वो कैसे टूट गया? अभी तो न्यू पैंट ऑर्डर यार, पैंट वालों ने ना वो जो फेस तो नीचे करके ऊपर चढ़ाया हुआ है, यानी कि मैंने ऑर्डर किया, कैमरे में देख के बोलते होते हैं यार क्या मसला है, बाकी सब कुछ तो यानी कि यार आंख में पड़ती है फिर आंख। हाँ अच्छा अच्छा, वो तो सही यानी कि सही थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे यूँ पीछे जैसा वो एयररिंग्स को हम यूँ लगाते नहीं है, हाँ। उस तरह उन्होंने लगाया हुआ था उसको, और वो पैंट के अंदर सुराख भी नहीं था, अच्छा। इस तरह ही उन्होंने अटैच की हुई थी, तो अच्छा। वो टूट गया। अच्छा तो चलो वो सेट हो जाएगा। अब पाकिस्तानी प्योर जुगाड़ लगवाने गई है मम्मा। सो हम लोग यहाँ पे आए हैं फिंगर चिप्स पे, चिप्स खाने, यहाँ की ना फेवरेट चिप्स है, और अम्मी जा रही हैं सामने वो सब्जी की दुकान है, वहाँ से धनिया वगैरह लेना है इन्होंने, वो धनिया वगैरह लेंगी, और तब तक हमारी जो है ना यहाँ पे चिप्स रेडी हो जाएगी, तो ये खाएंगे। गाइस बहुत गर्म गर्म है, ग्रीन के साथ लगा ले। हाँ स्पाइसी, ग्रीन के साथ बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन वैसे कच्ची मिर्च खाऊँ तो मुझे बड़ी मज़ेदार नजर आए। तो गाइस अभी ना सना गोहर की कॉल आई, वो नहीं आई थी, हम बस मैं अम्मी और मुतारा हम तीन है, बाकी सबके ना नखरे, हमने जाना हमारे यहाँ, मैं किसी की मिन्नत करने की जरूरत है, ये आपकी ग्रीन चटनी है इसमें, तो ना इसकी अभी कॉल आई, हाँ गुल्लू किधर? मैंने कहा हम घर पहुँच गए, हम बस गाड़ी निकल के पार करके गाड़ी पकने का, मैं अभी नीचे उतरेगी घर है, हम तो यहाँ खड़े हैं गन्ने के पॉइंट पे, गन्ने के रस वाले पॉइंट पे खड़े हैं, अभी हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, हम तो घर जा नहीं रहे, तो अभी वो नीचे आएगी और फिर दोबारा बगैर रहता इंसान है, मुझे नीचे उतार रही है, वेट करा रही है, शर्म नहीं आती, हमने किया इसके साथ दरअसल प्रैंक। अभी देखना अभी दोबारा उसकी कॉल आएगी। सो गाइस उसकी कॉल आ रही है। हाँ सना झूठ बोल रही है यार, झूठ का बोले तो नजर नहीं आ रहे हम तो मुझे नजर आ रहे, हम मुझे नहीं नजर आ रहे, फिर तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया। देखा गाइस मैंने कहा था ये लानत देगी कि किधर है, ये लानते दे रही है तू बस इधर। हाँ हम अभी गन्ने वाले पॉइंट पे खड़े हैं, गन्ने के रस वाली पॉइंट पे खड़े हैं गुलगश्त यार, घर आई जब मैंने आइसक्रीम खानी है, अभी अम्मी को ना बताइए, अम्मी तो वॉइस पे है, व्लॉग में भी लोगों ने सुन लिया, सब कुछ हो गया यार, यहाँ पे भी कोई चीज कर गया, क्या हो गया? हाँ रिकॉर्ड ग्रीन चटनी थी, मैं डर गई। मेरा नाम सना गोहर है और अपना बात करने लगी हूँ। हाँ तो गाइस चलो फिर हम चलते हैं, फिर हम आइसक्रीम सना हमें खिला रही है, ये आ रहे हैं, तुम कब आ रहे हो? अभी आ रहे हैं, 5 मिनट में नीचे पहुँच। ऑर्डर देखा गाइस, कॉल ही कैंसिल कर देते हैं हम, चलो पहुंचते हैं। हाँ भैया तू क्या लेने आया गाड़ी में? अब तो सारी पानी पीना शुरू कर दिया। ओ हाँ तुम मैडम क्या करने आई हो? हाँ क्या है मसला तुम्हें? ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डबल कैमरे से नहीं उनको क्या करने आई हो तुम? यहाँ जाओ सो जाके, अब अपनी नींदें पूरी करो। हाँ ये पकड़ना, ये क्या ले आई हो? पापड़ भी ले आई हो, स्नैक्स भी ले आई हो साथ? कहा क्या आपको तो बुखार था? स्नेकर्स लेके आई हो? पैरा से पाला। पैसे कितने? वो नहीं लाई पैसे तो है नहीं, आइसक्रीम खाने के, तो आइसक्रीम कहाँ से खाएगी तू? वो सना मैं क्या लूँ? मैंने ये पिस्ता लेना, ठीक है? अच्छा। तुम ऐसा करो कि तुम ये वाली ले लो, क्या नाम है इधर एक ये ना अपनी मर्जी से सिलेक्शन करिए। अपनी तो तूने कर ली, तो हमारी क्यों कर रही है? मतलब इसकी भी थोड़ी सी खा लूंगी, इसको अपनी टेस्ट करा दूंगी। तो ये बड़े सीन होते हैं, शेयरिंग यू नो, शेयरिंग इज गाइस। हम आए हुए हैं चिल बार पे। जल्दी जल्दी डिसाइड करो यार गाइस, जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगी ना तो फिर मैं बताऊंगी क्या क्या मंगवाया किस। सो गाइस हम सबकी आइसक्रीम आ चुकी है। मेरा ये फ्लेवर है, सना का ये है, और काके समुदायरा का भी चॉकलेट है, मुदस्सिर आपका कुल्फा, सबका ही कुल्फा, और मेरा चॉकलेट है। मेरा ना वो ओरियो था नहीं ना। कैसी लगी? मजेदार यार। आंटी से पूछ पोनिया है तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। इधर दिखाओ मुझे क्या बैठो कल्ले सीधा हो गया बे। सो गाइस मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज। और मैं खा रही हूँ ठंडा ठंडा आइसक्रीम, यम्मी।